जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024। जी हां साथियों, पेंशन को लेकर के बहुत सारे भाई बहन कंफ्यूजन में चल रहे थे कि सर पेंशन क्यों नहीं आ रही है, पेंशन कब आएगी, बंद तो नहीं हो गई है हमारी भी। तो चलो इसी के ऊपर हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाले हैं कि पेंशन आई है या नहीं आई है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओम वी रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे, फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओम वी रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, प्रूफ के साथ आप देख सकते हो कोई समस्या नहीं है। जो भी भाई बहन इस कंफ्यूजन में थे कि सर हमारी मम्मी पापा की पेंशन नहीं आ रही है, हमारे दादा दादी की पेंशन नहीं आ रही है, वृद्धावस्था पेंशन नहीं आ रही है, विकलांग वाली पेंशन नहीं आ रही है, तो भैया बिल्कुल आप चिंता मत करो, ये वीडियो आप ही के लिए है, आप सभी के लिए। प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि भैया पेंशन डल चुकी है। ठीक है, आ जाओ फटाफट। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024, वृद्धावस्था पेंशन जारी, अपना खाता चेक करो साहब। बिल्कुल जी, पेंशन सभी की डाली जा चुकी है। जो भी भाई बहन इस कंफ्यूजन में थे कि साहब हमारी तो पेंशन ही नहीं आई है, नई साल 2024 की पेंशन नहीं है, बिल्कुल सभी की आ चुकी है, जनवरी 2024 की पेंशन आ चुकी है दोस्तों। राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन, सभी की पेंशन जारी हो चुकी है, आप अपना खाता चेक कर लीजिए। 1 जनवरी 2024 की जो पेंशन थी, 1000 रुपए की राशि थी जो आपके खाते में आ चुकी है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आज ही आप अपनी पासबुक और आधार कार्ड लेकर के जाइए और बैंक में पता लगाइए कि पेंशन आई है कि नहीं आई है, फिर हमें बताना। और ठीक है भैया, आपकी पेंशन ना भी आई हो तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, हम आपको प्रूफ के साथ यहां दिखा रहे हैं कि पेंशन डल चुकी है। 1 जनवरी 2024 के 1000 रुपए डल चुके हैं खाते में, समझ रहे हो। और आप कमेंट भी कर दीजिएगा अगर जो भी भाई बहन इसका लाभ ले चुके हैं, पेंशन आ चुकी है, उनके पास एसएमएस आ गया होगा, उनको तो पता चल ही जाता है भाई। जिनके पास एसएमएस का सिस्टम है वो तो तुरंत पता चल जाता है, देख लेते हैं हाँ भाई अपनी पेंशन डल गई साहब। लेकिन जो बेचारे बुजुर्ग आदमी हैं, जो खाता खुलता में नंबर उम्बर नहीं जुड़वा रखा हूँ, मान लो SMS वगैरह नहीं आता हो मान लो, तो वो क्या करें, उनको कैसे पता चलेगा? तो उनको पता चल जाएगा, हम बता रहे हैं, आप चिंता ना करो, आप हमसे जुड़े हुए हो, आप हमारा परिवार हो, जो भी अपडेट आती है हम तुरंत आपके साथ साझा कर देते हैं और आपको बता देते हैं। और आज तक ये रिकॉर्ड रहा है, कोई भी वीडियो फर्जी नहीं है, आप कभी भी हम इस चक्कर में नहीं डालते हैं आपको कि आपको कन्फ्यूजन में डाल दें, आपको चक्कर में डाल दें, आपको आपके साथ धोखाधड़ी कर दें कि वैसे ही आपको चक्कर कटवाते रहें, जाओ जाओ पेंशन चालू होगी, आगे पेंशन भागो, ना कभी भी नहीं किया है हमने ऐसा। हम बिल्कुल पहले प्रूफ के साथ हम वीडियो बनाते हैं, आपको पहले उस चीज के बारे में बताते हैं कि आई है कि नहीं आई है और ये चीज हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका प्रूफ देते हैं और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि जाओ अब गारंटी देते हैं कि पेंशन आ चुकी है। क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास उस चीज का प्रूफ रहता है साहब, हम प्रूफ के साथ चलने वाले लोग हैं, ऐसे नहीं है, ये ओम वीर रोजगार है, यहाँ सच के सिवा कुछ नहीं बोला जाएगा। ठीक है, खाता चेक करके आओ, पेंशन प्राप्त करो, आपकी पेंशन आ चुकी है, बैंक की पासबुक और आधार कार्ड लेकर के जाएं। जिनके भाई मैसेज का सिस्टम नहीं है वो तो जाएगा बैंक में, या फिर आप ई मित्र पे जा सकते हो, क्योंकि अब ई मित्र वाले भी बहुत अच्छा काम करते हैं, ये भी आपकी पेंशन निकाल देते हैं, कोई समस्या नहीं है। पैसे भी लेते हैं कुछ लोग, पैसे मत दिया करो, क्यों? क्योंकि भैया इनका परसेंट रहता है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। किसी भी मित्र वाले अगर पैसे मांगे आपसे 10 रुपए 20 रुपए मत दिया करो, कोई जरूरत नहीं है किसी को पैसे देने की। अगर वो पैसे मांगते हैं तो आप उसी मित्र पे जाओ ही मत, फिर आप दूसरे केंद्र पे जाओ। ये जो बैंक की शाखाएं लेके रहते हैं ना, SBI शाखा है और कोई दूसरा बड़ौदा का शाखा वाला बैंक है ना, तो ये बड़ौदा शाखा है, ये कियोस्क सेंटर रहते हैं, समझ रहे हो, टेली कम्युनिकेशन वाले,
तो इनके पास आप जा सकते हैं। ये बैंक की शाखा व लिखा रहता है बाकायदा SBI ब्रांच, बड़ौदा ब्रांच, जो भी बैंक है सरकारी बैंक है आपका, उस ब्रांच में जाकर के आप पैसे निकलवा सकते हैं। किसी को एक रुपया देने की कतई ही जरूरत नहीं है। इनका परसेंट रहता है, इनको तो वैसे ही मिल रहे हैं, आप क्यों देते हो, आप क्यों लूटते हो खामा खा। तो आप अपना बैंक खाता चेक करवा सकते हैं। अंगूठा नहीं आता है किसी भी बुजुर्ग का, भाई कोई भी अपना दादा दादी है साहब अंगूठा ना भी आमी काम कर करके घिस गई अंगली, अब है अंगुली घिस जाती है ना, तो बैंक में आप स्याही वाला अंगूठा लगवा सकते हैं। आप ब्रांच में तो भैया फिंगर लगाना पड़ जाएगा, और ब्रांच में फिंगर नहीं आते हैं मान लो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सीधे बैंक में चले जाओ और बैंक में जाकर के वो स्याही वाला स्टाम्प वाला दैड़ दे टेक दो, पर्ची भर दो, तुरंत खाता संख्या लिख दो, नाम लिख दो, तारीख लिख दो, समझ रहे हो, और वहां जाके जमा करवा दो, लो साहब। और अगर आपको पता लगाना है तो एंट्री करवा लो, या वैसे पूछ लो, काउंटर पे पूछ सकते हो आप, बैंक में जो काउंटर होते हैं वहां जाके पूछ सकते हो कि साहब पैसा चेक करियो, पेंशन आई कि ना आई, तुरंत बताऊंगा आगी साहब कितनी आगी साहब, इतना रुपया आगा साहब, 1000 रुपया निकालो साहब, पर्ची भरो, पर्ची भर दो दैड़ दे, और अंगूठा लगवा दो दैड़ दे, एक आदमी का साइन करवा दो, खाता संख्या जिसका बैंक में खाता है उसके खाता संख्या लिख देगा वो, तुरंत मिल जाएगी, कोई जरूरत नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता आपको कि 10,000 से कम हम बैंक में नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, बैंक कभी भी मना नहीं करता है। जिस व्यक्ति का अंगूठा नहीं आता है उसकी स्याही वाला अंगूठा टिकवा करके और आप बैंक में जा करके पैसे निकलवा सकते हो, चाहे 1000 चाहे 2000 कितने भी रुपए निकलवा सकते हो, आपको किसी भी बैंक के कर्मचारी के द्वारा मना नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रख लेना। हम यही काम करते हैं दोस्त, समझ रहे हो, हम भी जाते रहते हैं, ऐसे थोड़ी है कि हम आपको वैसे ही बता रहे हैं। बैंक में स्याही वाला अंगूठा लगा करके रसीद भर के पैसे निकलवा सकते हो, कोई समस्या नहीं है साहब। पेंशन को चेक करना है तो भैया जनसूचना पोर्टल है, वहां आपको PPO नंबर लगाना पड़ेगा और फिर आप चेक कर पाओगे। आधार कार्ड से तो भैया समय भी लग सकता है, ना भी हो, PPO नंबर लगाओ, तुरंत चेक हो जाएगा आपकी पेंशन आ चुकी है। और लिंक लेना चाहो, लिंक भी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक है, आपको कोई जरूरत नहीं है माथा फोड़ी करने का, इस लिंक पे डायरेक्ट जाओ, अपना PPO नंबर दर्ज करो, तुरंत पता लगाओ पेंशन आ चुकी है, जनवरी 2024 की पेंशन सभी की डल चुकी है। कोई भी ये ना सोचे कि हमारी नहीं डली है, सबकी डलगी, सबकी, जी हाँ साथियों। अब कोई फर्जी है उसकी तो बंद हो गई, वो तो फिर ऐसे सोचे कि भैया हमारी नहीं डली तो फर्जी है फिर, ठीक है। फिर भी बाई चांस किसी का रह गया है तो आप जांच करवा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, समझ रहे हो दोस्तों कि भाई हमारी क्यों नहीं आई है। बाकी जो फर्जी तरीके से ले रहा था उसकी तो आएगी नहीं, वो तो परमानेंट बंद हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की संपूर्ण जानकारी, तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं, जितनी भी सरकारी योजनाएं आती हैं, तमाम हम आपके साथ साझा करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।